आप सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? तो अगर मैं बात करूँ मंत्र की, तो आप लोग क्या सोचोगे? मैं ओम भूर्भुवस्सुः की बात कर रहा हूँ, जो पंडित वगैरह मंत्र पढ़ते हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मंत्र इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट के अंदर बेचती है, ऑनलाइन बेचती है ज़्यादातर। मतलब इंडिया मार्ट्स, अमेजोन वगैरह पे आपको देखने को मिल जाएंगी। मतलब ऐसी वेबसाइट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। ऑफलाइन कम ही देखने को मिलेंगी आपको ये मंत्र इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ मंत्र के एक राइडर स्कूटर के बारे में, जो कि आपको कम बजट में अच्छी फीचर देता है ना मजी की बात। मंत्र VSP और RSS वाले तो काफ़ी खुश हो जाएंगे मंत्र कंपनी के बारे में सुन के। तो अगर आप लोग जानना है कि मंत्र इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने राइडर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर देता है, स्पेसिफिकेशन, प्राइस और रेंज, तो ये वीडियो कोई एंटर देना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर कोई डिटेल में बात करूंगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। क्योंकि मैं काफ़ी सर्च करता हूँ नई नई कंपनी, नए नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि भैया ये सारी चीज़ अवेलेबल है, ओला TVS बजाज से हट के यही ले लो अगर आपको सस्ता लेना है तो। इसीलिए तो अगर आप लोग जाना है भैया, देखना पूरी ध्यान से। और भैया वीडियो स्टार्ट करने पहले आपको जो अपनी स्क्रीन के ऊपर एक लाल बटन दिख रहा है, वो लाल बटन, हाँ ये वाला, इसको दबा के इसका कलर चेंज कर देना, ताकि आने वाले फीचर में जो वीडियो डालने वाला हूँ मैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो डाल दूँ, ताकि आप लोग तुरंत अपडेट हो जाओ कि भाई ये नई कंपनी थी, ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, सब पता आप चल जाए आपको। क्योंकि आने वाले समय में इंफॉर्मेशन इज द की फॉर सक्सेस, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप लोग रील में लगे रहोगे, मेरी काली काली दो आँखें करते रहोगे, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी उस चीज़ से। इसीलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मंत्र राइडर इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। अगर मैं मंत्र राइडर के प्राइस की बात करूं, तो उसकी जो प्राइस है वो 47,900 रुपये से स्टार्ट होती है, और ये अप टू टॉप जाती है वैरियंट के हिसाब से। और अगर मैं फीचर की बात करूं मंत्र राइडर के अंदर क्या क्या फीचर मिलते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर में, तो इसके अंदर आपको डिजिटल मीटर, रिमोट लॉक, मोबाइल चार्जर, रिवर्स गियर और अंत तक अलार्म मिल जाते हैं। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ, क्योंकि आप लोगों को इसकी रेंज जानने में ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी या जिज्ञासा होगी, तो इसकी रेंज है दोनों बैटरी पर आपको अलग अलग मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है, लेड एसिड और लिथियम आयन। लेड एसिड में आपकी जो रेंज होगी वो 45 से 50 किलोमीटर की होगी, और लिथियम आयन के अंदर आपकी रेंज होगी 80 से 100 किलोमीटर तक की। और इसकी जो लाइफ है, बैटरी की लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, वो 500 साइकिल तक है, मतलब आप 500 बार से चार्ज कर सकते हो सिंगल बैटरी को। और इसके जो चार्जिंग का टाइम है वो 6 से 7 घंटे का है, और इसके अंदर वो सारी लाइटें LED मिल जाती हैं। और अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ मंत्र राइडर की, तो इसके फ्रंट और रियर में आपको ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। अगर मैं मंत्र राइडर के सस्पेंशन की बात करूँ, तो इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिंग मिल जाते हैं और रियर साइड में कॉइल स्प्रिंग मिल जाते हैं। और अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ, तो कंपनी की तरफ से आने वाला लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर्स की है, और इसके अंदर आपको 12 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं अलॉय व्हील के साथ। मंत्र राइडर के अंदर आपको 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं, मरून, सिल्वर, व्हाइट, ब्लैक और ब्लूश ग्रीन। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ मंत्र राइडर की, तो इसकी जो लेंथ है 1700 मिलीमीटर की है, विड्थ 670 मिलीमीटर की है, हाइट 1300 मिलीमीटर की है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 120 मिलीमीटर का है, और इसका जो टोटल वेट है वो 100 किलोग्राम का है। और इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 140 से 180 किलोग्राम तक की है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है वो 250 वॉट की है, और इसका जो कंट्रोलर है वो बोस स्मार्ट कंट्रोलर है। तो अगर आप लोग भी कोई सस्ता सुंदर टिकाऊ इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे थे, मतलब ज़्यादा नहीं घुसाना चाहते थे पैसा, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये भी कम बजट में आता है, जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा। और इसकी रेंज मैंने वीडियो के अंदर बताई, मैं दोबारा नहीं बताने वाला, क्योंकि बहुत से लोग वो बोलते हैं कि एक चीज़ दोबारा दोबारा मत बोला कर, ताकि लोग एंड में देख लेंगे फ़ायदा क्या है, कोई वीडियो नहीं देखेंगे, वॉच टाइम नहीं आएगा, वॉच टाइम नहीं आएगा तो यूट्यूब उठाएगा नहीं। इसीलिए तो भैया थोड़ा वॉच टाइम बढ़ा दो, थोड़ा तो 1.5-2 महीने तब देख लो। इसीलिए बाकी अगर आप लोग भैया लेते हो या कंसिडर करते हो, या आप लोगों को पता था मंथ इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भैया हमें पता था, अपने बाप को मत सिखा, तो मैं समझ जाऊंगा। बाकी अगर आपको नहीं पता था तो भी आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मज़ा आएगा कि कितना लोगों को पता था कितना लोगों को नहीं पता था। क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आने वाले समय में रेगुलर बेस पर लाऊंगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदर करने में बड़ा मज़ा आता है, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, इसीलिए ताकि आप लोगों का शेयर करने में वो मज़ा आए। और कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा कमेंट किया करो कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जानना है, और कौन कौन से नए आपको चाहिए, और या बता दिया करो मेरे को, ताकि मज़ा मेरे को भी आए। बाकी अगर आपको बाइस कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टी वीडियो चाहिए, तो आप लोग इंस्टाग्राम मीडियम कर सकते हो, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इसी वीडियो से इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी मीटी लगे तो आपको पता क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो अपन तो बाय बाय, टेक केयर।